कोरोना की दो लहरों का पूरी दुनिया ने सामना किया है और वो नजारा कोई नहीं भूला। एक बार फिर कोरोना की आहट है। नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन और इस नए वेरिएंट ने राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। सावधान, फिर आ रहा है विनाशकारी वायरस। कोरोना को लेकर अलर्ट हुई प्रदेश सरकार, चिकित्सा विभाग को सतर्क रहने के निर्देश। सीरो सर्विलांस, इम्यूनिटी पर फोकस। बहरूपिया वायरस बार बार भेष बदल कर वापस आ रहा है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन फिर एक बार नए वेरिएंट ने हाहाकार मचा दिया है। केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं। नए वेरिएंट की तस्दीक करने के लिए हर पॉजिटिव मरीज के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। चिकित्सा विभाग भी अलर्ट है, नए वेरिएंट पर स्टडी जारी। ओमिक्रॉन को बताया जा रहा खतरनाक, पहली बार साउथ अफ्रीका में हुई पहचान, वैक्सीनेटेड लोग भी हुए इफेक्टेड। तेजी से फैलता है ये वेरिएंट, एसएमएस में हो रही है जीनोम सीक्वेंसिंग। आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही कोविड के केसेस बढ़ते हैं, हम जीनोम सीक्वेंसिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा होने वाले वेरिएंट का पता कर लेते हैं। हाल ही में एक बहुत चिंताजनक विषय ये हुआ है कि साउथ अफ्रीका के अंदर और कुछ अफ्रीकन कंट्री लाइक बोत्सवाना वगैरह के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रेन पाया गया जिसकी इन्फेक्टिविटी और ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस स्ट्रेन को 5111529 कहा गया है और इसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बीते 6 महीने पहले से ही रैंडम जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। अब इस नए वेरिएंट को देखते हुए हर पॉजिटिव मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। एसएमएस के डॉक्टर्स की माने तो अब तक करीब 800 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। असल में जीनोम सीक्वेंसिंग किसी भी वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए होती है। अलर्ट है नए वेरिएंट को लेकर के, उन्होंने पहले से ही सीक्वेंसिंग के लिए एक आदेश दे दिए थे कि सर जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स हैं वो सारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में आएंगे सीक्वेंसिंग के लिए। तो डेली हमारी आईडीएसपी की टीम और हमारे कॉलेज की टीम ये ट्रैक करती है कि जितने पॉजिटिव केसेस हैं वो यहाँ पे लैब में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और जो नहीं आते उनको फ़ोन किया जाता है और जितने पॉजिटिव सैंपल्स आते हैं उनको सीक्वेंसिंग के लिए प्रोसेस किया जाता है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सुर्खियों में है, इसे लेकर दुनिया भर में हाहाकार है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि वैक्सीन की दोनों डोज भी इस नए वेरिएंट पर बेअसर हैं। इसलिए हर किसी को मास्क लगाने के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना होगा ताकि राजस्थान नए वेरिएंट के संकट से सुरक्षित रहे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।